देखिए, उसने पहले एक व्लॉग डाला जहाँ पे वो अपनी मेड से बात कर रहा था और कह रहा था कि यार ऑलरेडी एक दलदल से निकले, फिर उसी दलदल में आप डाल दोगे, काफ़ी स्ट्रेस होगा, यू नो इमीडिएट हो जाएगा वो, काफ़ी सिस्टम बस उसका हैंग होता रहे और दुनिया भर में फैलता रहे। विवेका, सबसे पहले ये बता दीजिए कि मतलब कि जो लाइफ में कितना बदलाव आप देखते हैं बिग बॉस से आने के बाद में, लोगों का प्यार ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं डबल हो गया है? बहुत बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो डबल क्या, हज़ार गुना ज़्यादा, क्योंकि मैं तो सबसे बेसिक थी, मेरी तो कोई प्रोफाइल नहीं थी, ना मेरा कोई फ़ैन बेस था, मैंने फ़ैन बेस बनाया है और बन रहा है, छोटा है बट क्वालिटी फ़ैन बेस है मेरा और बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात से। आज भी याद है मुझे पूरा वो आपका ना पूरा वो स्टेटमेंट पूरा याद है, यार मेरे ना फॉलोअर्स नहीं है, मैं तो पहले हफ्ते में आ जाऊँगी बाहर, जो कुछ भी होगा बस पहले हफ्ते में। कहते थे मेरे बारे में जो भी थे, मेरी टीम कहती थी, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सब कहते थे कि अरे यार इसका कोई है नहीं फैन बेस, पहले हफ्ते में बाहर आने वाली है, अब टॉप फोर में आकर फिर बाहर आई हूँ, तो आई होप मैंने अपनों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को प्राउड किया है और जितने भी लोगों का मैंने प्यार बटोरा है उन सबके लिए ढेर सारा प्यार, और मेरे लिए वही प्रायोरिटी है, मेरे लिए भी सब कुछ मेरे फैंस ही हैं। लेकिन क्या धमाका किया है यार अपने अंदर यार, सीरियसली यार मैं देख रहा हूँ यार कि मैं जब टीवी में आपका एपिसोड देख रहा हूँ तो मालूम नहीं पड़ा यार ये वही बंदी है जो जो मतलब पहले हफ्ते में बोली थी यार कि ये बिग बॉस मेरे लिए नहीं है, मैं पहले हफ्ते में वापस आ जाऊँगी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, बड़े अजीब अजीब से लोग होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं फुटेज के लिए। हाँ आई एग्री, बट कहते हैं ना कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम पे आता है, जब लोग आपके क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आपके पोटेंशियल को, काबिलियत को, काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं, तो आपके अंदर का एक ड्रैगन और एक कहते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, तो वही हो गया था मेरा। वेल अगर बिग बॉस की अगर हम बात करें तो एज को लेके इस बार बहुत मुद्दे बनाए गए, 36 36 36, अब फाइनली 36 अब 37 में होने वाला है आज। फाइनली अविनाश अभी 36 से 37 साल के हो रहे हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी भी बिग बॉस की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, उन्होंने इवॉल्व किया है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया और खुद को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरह वो एंड में ही सही बट दिखाने लग गए और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखाई उन्होंने, और हम सब काफ़ी करीबी रहे हैं एंड वी शेयर्ड अ वेरी गुड बॉन्ड अविनाश एंड मी, तो मैं उन्हें गार्डन वाले अंकल बुलाती थी और फाइनली मैं आज गार्डन वाले अंकल के बर्थडे पे आई हूँ। एंड सब लोग तो आप तो ट्रॉफी के बहुत ज़्यादा करीब से होकर आए हैं वहाँ से, लेकिन अविनाश जो है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो एक वो ट्रॉफी को जीत कर आए हैं, मतलब साथ में फलक का साथ मिल गया उनको, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि अविनाश के मन में काफ़ी कुछ है बट फलक का मुझे थोड़ा डाउट रहता था और मैं हमेशा कहती थी, बट मुझे लगता है अगर वो लोग सच्ची में यू नो यूनाइट हो जाए और उनके बीच एक अच्छा रिश्ता उभरने लगे या शादी भी हो जाए तो वेल एंड गुड यार, आई मीन बिग बॉस का पहला कपल होगा जो आपस में यू नो यूनाइट हो चुके हैं। किसी के साथ में अगर कोई एक ऐसी शॉकिंग चीज़ जो आपको बिग बॉस से घर के बाहर आने के बाद में बिग बॉस के बारे में मालूम पड़ी हो वो क्या है? शॉकिंग यार कि यार ये तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, इनफैक्ट ज़्यादा ही ये नेगेटिविटी कहते हैं लोग बट इतना नेगेटिव नहीं है वो शो जितना कहा जाता है, इनफैक्ट मुझे तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है बिग बॉस से और दुनिया जान लोग जानने लगे हैं मुझे वो बिग बॉस के थ्रू ही, और मेरी असल ऑडियंस बिग बॉस की ऑडियंस ही है, जो रॉ रियल ऑडियंस होती है ना बिग बॉस की, वही मेरी फ़ैन बेस बन रही है, तो भाई मुझे तो कुछ शॉकिंग नहीं लगा, मेरे लिए तो वो प्लेटफॉर्म एक भगवान समान था और मैं पूरी ज़िंदगी आभारी रहूँगी। किसी के साथ में अगर मैं अभिषेक की बात कहूँ तो दिन में एक दो बार आप याद कर ही लेती हैं उन्हें। क्यों? Why are you saying that? अभी अभी एक आपने एक पोस्ट डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो देखा? वो क्यों डाला मैंने पहले ये पूछिए। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए उसने पहले एक व्लॉग डाला जहाँ पे वो अपनी मेड से बात कर रहा था और कह रहा था कि बबीता जी मैंने आपको बहुत मिस किया, मेरी कंटेस्टेंट का नाम बेबी का था उसे मैं बबीता बुलाता था, तो जस्ट टू रोस्ट हिम बैक मैंने कहा हाँ मेरे वॉचमैन का नाम भी अभिषेक है और इनकी वजह से यू नो आपकी कमी महसूस नहीं होगी, एक कंटेस्टेंट का नाम अभिषेक था। आपको शायद पता नहीं होगा, आपने शायद देखा ना हो, हमने देखा जब एक जब टाइम वाला जो एक जो टास्क जो था ना वहाँ पे, उस वक्त एक उन्होंने ये बोला था यार कि बाहर में तुमसे ना रिश्ता जरूर मैं कंटिन्यू रखूँगा, आपको ऐसा बोला था? मुझे याद हाँ, वो झगड़ों में कहता था और मैं भी बहुत कहती थी, लेकिन दिल में नहीं था किसी के कि एक दूसरे से इतनी नफरत तो किसी के मन में नहीं थी, वो बहुत श्रेडर में भी उसने मेरा फोटो डाला था और मैं हैरान थी, फिर बाद में खुद ही आके उसने सुलह की और एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे सब कुछ रहा, तो वेल एंड गुड। एक मीटअप भी हुआ हाल ही में एलविश का, उस पर क्या कहना? हाँ काफ़ी मैसिव मीटअप था। आप लोग की? हाँ होती है व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बातें होती है, तो काफ़ी मैसिव मीटअप था वो, CM भी आए थे एंड आई एम रियली प्राउड टू सी दैट, मतलब हमारे बीच का ही बंदा है यार और इतना ऊंचा उड़ रहा है, इस बात से हमें भी बहुत नाज होता है और सिस्टम बस उसका हैंग होता रहे और दुनिया भर में फैलता रहे।
अब हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आप बिग बॉस में भी आ रही हैं, 17 में आप भागीदारी ले लेंगी, उस पर क्या कहेंगे? वेल, मैंने ऐसा कुछ प्लान अप किया नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं, बट नेवर से नेवर। कॉल वॉल कुछ ऐसा आया है कि भाई आना है? नहीं, ऐसा अब तक कुछ है नहीं, बट देखते हैं। अगर मौका मिले तो जाना पसंद करें? यार, ऑलरेडी एक दलदल से निकले, फिर उसी दलदल में आप डाल दोगे, काफ़ी स्ट्रेस होगा, यू नो, इमीडिएट हो जाएगा वो काफ़ी। तो सोचेंगे, अभी काफ़ी दूसरे काम भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है जो हम देख रहे हैं, तो कंपैरेटिवली क्या बेटर रहेगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरे हिसाब से तो बिग बॉस का ऑफर आए तो यार तुम जाओ, बिग बॉस मटेरियल हो, मज़ा ही आ जाता है देख कर। ड्रामा कोई नहीं हूँ, जो बिग बॉस मटेरियल, मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं एक एक्टर। लेकिन क्या कमाल किया आपने इस पूरे सीजन में। हाँ, लोग देखना चाहेंगे ये बात अलग है, बट आई तो देखना चाहते तो देखते हैं क्या होता है आगे। अब क्या आने वाला है, अगर बिग बॉस के बाद में लोगों के प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, अब आपकी तरफ से जो भी आने वाला हो? मोस्टली मूवीज आ रही है मेरे रास्ते, और एक जिसको वक्त भी लगेगा, क्योंकि मूवीज़ रातों रात नहीं बनती हैं, एंड लेट्स सी, आई एम ऑल्सो होपिंग फॉर सम म्यूजिक वीडियोज एंड स्टफ। थैंक यू सो मच विवेक, हमसे बात करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ, एंड थैंक यू।